इंदौर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर चल रहे हैं और यहाँ पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किया जाता है। कुल मिलाकर पुलिस को ऐसी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब छापा मारा तो यहाँ पर कई विदेशी युवतियों को पकड़ा गया जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और यहीं पर रह गई। पार्लर की संचालक उनके फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर ग्राहक बुलाती थी। उनके ग्रुप में छात्र, इंटीरियर डिजाइनर, ट्रांसपोर्ट कारोबारी भी शामिल थे। कुल मिलाकर पुलिस को यहां छापे में लाखों रुपए कैश और विदेशी करेंसी भी मिली है। क्राइम ब्रांच के अनुसार लसुड़िया क्षेत्र में मीरा वेलनेस स्पा सेंटर पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किया जाता था। कुल मिलाकर जब इस जानकारी यहां मिली तो संचालक संजय गांधी, निर्भय जैन, नरेंद्र कानून को, सनी सुनहरे, गजेंद्र सिंह राजपूत और अभिषेक यादव को पकड़ा गया। इस्पा की एक अन्य ब्रांच बापट चौराहे से सम्यक चिरंजीवी, लोकेश खंडेलवाल, गुरविंदर सिंह सिंह, नीलेश तिवारी, मोहित कुशवा, रोहित सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया और तीन युवतियां यहां पकड़ी गई जिनमें से जो थाईलैंड की हैं। इसके अलावा दो अन्य युवतियां और हैं। कुल मिलाकर इंदौर में बड़े पैमाने पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स का काम चल रहा है और ये सब सेक्स के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।